हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज़ वेनसडे, आज वर्किंग डे है। सो इसीलिए मैं घर से ही व्लॉग कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गो आउट एंड व्लॉग बिकॉज आई हैव टू वर्क। सो आई हैव टेकन जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक एंड थॉट ऑफ जस्ट कि एक वीडियो अपलोड कर दूँ आज, नहीं तो कल, मोस्टली आज शाम तक ही वीडियो आ जाएगा। सो एंड टुडेज व्लॉग इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोटरसाइकिल्स, द कैटेगरीज। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको एक कन्फ्यूजन होगा कि अगर बाइक लेनी है तो कौन सी ले, आपका पर्पस क्या है, सबसे आपको जो बाइक पसंद है वो आपने लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे ही कुछ आपके मन में सवाल होंगे, तो मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। यू वॉन्ट टू परचेस अ बाइक फॉर योर डेली कम्यूट, दैन इट्स नो पॉइंट इन परचेसिंग द हायर एंड बाइक्स और द हायर सीसी बाइक्स। एंड इफ़ यू आर परचेसिंग योर bike for just touring or you have to travel, you travel a lot, so then you have to purchase the bikes in the sports category or in the adventure tourer category. Now the first, if you have to purchase the bike for your daily commute, like aapko office jana hai ya fir aapke roz ke regular routine kaam karne hai, then I think you can take the bikes around like 200-300 cc is more than enough. 400 bhi matlab चल जाएगा। यू कैन गेट इन एनी, यू कैन गेट दिस बाइक अंडर एनी ब्रांड्स, आइदर इट मे बी हीरो, बजाज और वट एवर इट मे बी। नाउ द हायर एंड ब्रांड्स आर ऑल्सो कमिंग इन दैट, इन दिस सेगमेंट ऑल्सो, तो यू कैन ऑल्सो चेक दोज फॉर। द पॉइंट इज यू डोंट हैव टू जस्ट गो ऑन द लुक्स ऑफ द बाइक, बट द स्पेसिफिकेशंस, द सस्पेंशन, द इंजिन कैपेसिटी, द माइलेज, ब्रेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स वाइल परचेसिंग अ बाइक। Now the second category which I am selecting as super sports and or you can say just sports bike, so the bikes which are only meant to be ridden only on roads, so those bikes for example we can say CBR or Kawasaki, ZX-10, Busa, ये तो आपको सब ब्रांड्स और नाम को आपको पता ही होगा। सो दीज बाइक्स का फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सो दिस काइंड ऑफ बाइक्स आर मेनली फोकस्ड ऑन स्पीड एंड रोड, द ग्रिप ऑन द रोड। दीज बाइक्स आर मेंट फॉर द बेटर ग्रिप ऑन द रोड एंड हाउ फास्ट द बाइक कैन गो। अभी सुपर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, लाइक द वन मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी सुपर स्पोर्ट बाइक और एनी स्पोर्ट्स बाइक इज़ द क्विक शिफ्टर। नाउ द क्विक शिफ्टर इज़ नाउडेज ऑल्सो अवेलेबल इन द ADVs, दैट इज एडवेंचर टूरर्स और एडवेंचर कैटेगरी बाइक्स, बट फर्स्टली दे वर इंट्रोड्यूस ओनली इन द स्पोर्ट्स बाइक। So what the quick shifter does, you do not have to press the clutch while you are shifting the gears. So, now the third category is adventure tourers and ADVs, that is. Now I am pretty much sure कि आप लोगों को ADVs के बारे में बहुत पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनके पास ADVs है, आप उनके वीडियोस देखते ही होंगे, आप उनको फॉलो भी करते होंगे। सो देर आर बिग ब्रांड्स लाइक Triumph, BMWs, Ducati, अभी होंडा भी है, और पता भी नहीं मुझे कि और कितने ब्रांड्स होंगे दैट दोज ब्रांड्स हैव ADVs बाइक्स अंडर द रूफ। So the main purpose of the ADVs is the speed and the comfort. Now there are n number of modes in any ADV or any adventure tourer bike, like the rain mode, then off-road, road mode, urban mode, etc., etc. And each mode have their own specification, their own customization, means how the bike should perform or how the bike should react in different kinds of modes. So if you select the rain mode, so this mode is only for when you are riding the bike when there is a rain, there is a heavy rainfall, the traction control. Then if you are selecting the off-road mode in any ADV, then the traction control is switched off. I hope you know the traction control. The traction control is just the, it just, we can say, the connection between the road or any surface and the tire. So it does not, while riding the bike or the tire does not lose the traction, like wo slip nahi hogi bike, aisa kuch. Suspension of the ADVs are immense. It's very very comfortable. You can also customize the suspension level, the ride height. जो बाइक आपका पर्पज़ फुलफ़िल करे वही बाइक आपको लेनी चाहिए। दस जस्ट आपको मतलब ब्रांड्स पे नहीं जाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक बाइक के लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ कि अगर आपको डेली कम्यूट के लिए लेना है तो यू डोंट हैव टू गो फॉर द हायर एंड बाइक्स और द हायर सीसी बाइक्स।
देन अगर आपको रोड पे ही मतलब आपको स्पीड पसंद है तो यू कैन गो फॉर द सुपर स्पोर्ट्स और इवन यू कैन गो फॉर द ADVs बिकॉज इन दिस डेज ADVs आर ऑल्सो कमिंग इन लाइक द ऑफ रोड वेरियंट रोड वेरियंट लाइक दैट एंड इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर ADV और प्रॉपर ऑफ रोड और यू वॉन्ट फुल सेफ्टी एंड फुल कम्फर्टेबल वाइल यू आर राइडिंग सो यू कैन सिलेक्ट एनी ADVs जो बाइक आपका पर्पज़ फुलफिल करे बस वही बाइक ले लो यार उसके स्पेसिफिकेशन देखो उसके रिव्यूज़ देखो उसके गुड रिव्यूज़ देखो उसके बैड रिव्यूज़ देखो एंड देन सिलेक्ट द बाइक यू वॉन्ट एंड देन यू कैन गो फॉर इट सो अभी ये तो हो गया बाइक्स के बारे में लेकिन वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर यू शुड ऑलवेज नो अबाउट हाउ टू मेंटेन योर बाइक और अगर इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ योर ट्रिप और रोड ट्रिप वॉट एवर इट मे बी एंड इफ योर बाइक सडनली ब्रेक डाउन If your bike suddenly breakdowns, कुछ ख़राब होता है क्लच केबल ख़राब होती है या फिर एक्सेलेटर केबल ख़राब होता है या फिर कुछ और सो यू शुड नो वॉट टू डू एट दैट टाइम पैनिक नहीं होना है ज़्यादा इफ़ पॉसिबल RSA कॉल RSA रोड साइड असिस्टेंट बिकॉज इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इफ देर इज़ अ मेजर इशू इन योर बाइक अदरवाइज गो टू एनी लोकल garage available nearby to that location and get it fixed or if there is showroom available you can anytime visit a showroom and it is always recommended that you service your bike in showrooms if you have an garage means aapka koi garage wala acha pehchan ka hai so you can give your bikes for the maintenance over there also but there are few things jo aap ghar pe bhi aapke bike mein matlab changes kar sakte ho jaise ki engine oil you can also lube your chains then brake pads change karna like these small things you can do at home but do it with precautions because right now I'm going to share one of my experience while I was lubing my chain last year तो डिटेल में बताता हूँ आपको सो द डेट वॉज आई रिमेंबर 14th of October 2019 लास्ट ईयर अभी एक साल होने अगले महीने एक साल होगा सो मंडे था मैं जस्ट साइकिलिंग करके आई जस्ट केम फ्रॉम द साइकिलिंग एंड आई वॉज अबाउट टू गो ऑफिस विद इन 45 मिनट्स सो वॉट आई थॉट आई जस्ट सॉ माई चेन इट वॉज रस्टी एंड इट वॉज वेरी डर्टी बिकॉज सो आई जस्ट थॉट ऑफ कि भाई मैं ऑफिस जाने से पहले ये चेन को लूप कर देता हूँ बिकॉज उस दिन बारिश भी नहीं थी सो आई थॉट आई विल टेक द बाइक एंड गो टू द ऑफिस सो आई वॉज हैविंग 10-15 मिनट्स इन स्पेयर सो आई टुक माई चेन लुब्रिकेंट एंड आई पुट माई बाइक ऑन द सेंटर स्टैंड सो दैट इट इज ईजी फॉर मी टू लूप द चेन सो जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को डाल दिया सेंटर स्टैंड पे सो दैट रेयर व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग स्लोली बट आई डिडंट नोटिस दैट माय चेन इज सम हाउ मतलब लूज हो गई थी चेन द चेन वाज लूज एंड इट वाज वॉबलिंग अ लॉट बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था और मैंने लूप करना स्टार्ट कर दिया तो लूप करने से पहले मैंने पहले एक लूप स्टार्ट किया फिर मैंने सोचा कि पहले इसको एक क्लीनर से क्लीन कर देता हूँ तो मैंने चेन क्लीनर निकाला और मैं चेन क्लीन करते करते आई वॉज होल्डिंग इट लाइक दिस सो दैट नीचे का पार्ट में अच्छे से क्लीन कर सकूँ चेन का सो पता नहीं क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन माय दिस थंब या लेफ्ट हैंड का जो थंब है मेरा वो चेन पॉकेट के अंदर चला गया अब चला तो चला गया मुझे पता ही नहीं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिस हैपेंड एंड गाड़ी बंद हो गई मेरा थंब स्प्रॉकेट के अंदर अटक गया और वो थंब अटकने के कारण गाड़ी बंद गाड़ी गियर में थी मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था आई जस्ट मतलब मैं चिल्लाया एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड माई डैड केम आउट टू सी व्हाट हैज हैपेंड तो मैंने जस्ट बोला कि मेरा ऐसा ऐसा उंगली अटक गया है अंदर तो पापा को ऐसा लगा कि कुछ नहीं माइनर हो गया होगा तो मैंने उनको चिल्लाया मैं लिटरली चिल्लाया बिकॉज इट वॉज पेनिंग अ लॉट आई कैंट जस्ट डिफाइन दैट हाउ द पेन आई वॉज सफरिंग एट दैट टाइम द वॉट द पेन वॉज लाइक मैं बोल ही नहीं सकता उसके बारे में मैं जस्ट चिल्लाया पापा को कि पापा क्लच दबाओ सबसे पहले उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं आए नीचे क्लच उन्होंने क्लच प्रेस किया एंड देन विद द हेल्प ऑफ द माय राइट हैंड मैंने वो रियर व्हील मतलब जो रियर व्हील मैंने पकड़ा था वो मैंने वापस से उल्टा घुमाया तो मेरा उंगली बाहर आया और देखता हूँ तो पूरा रेड पूरा मतलब मैं वो
फोटो मैं शायद से नहीं डालूंगा, मेरे पास फोटो है कि वो हाउ माय थंब वाज लुकिंग एट दैट टाइम, और मुझे लगा कि भाई उंगली टूट गई, मतलब हाफ से ऊपर जो 3/4 का पार्ट है वो उतना टूट गया, मतलब बोन क्रैक हुआ। ये तो श्योर शॉट ही था, लेकिन मुझे लगा जो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये उसका कुछ तो पार्ट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, बाप। और जब मेरा ऐसा कंडीशन मेरे वाइफ और मेरे मॉम ने देखा, जब उनको तो पता ही नहीं था, दे बोथ वेंट इन शॉक। माई डैड वॉज वरीड लाइक अभी क्या करे। मॉम को बस यही सूझा कि सबसे पहले हल्दी लाई एंड शी पुट सम टर्मरिक पाउडर ऑन माई थंब बिकॉज खून बहुत बह रहा था, नीचे भी फ्लोर पे बहुत खून गिरा था। वो देख के पापा घबरा गए, मॉम और वाइफ भी दोनों, मतलब तीनों के तीनों घबरा गए थे, और मैं खुद घबरा हुआ था कि भाई अब करे तो करे क्या। तो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, पानी वगैरह लिया और मैं और डैड गए हॉस्पिटल। सो आई गेट इट चेक्ड, एक्सरे वगैरह निकाला। सो द डॉक्टर सेड कि थोड़ा सा पार्ट बोन का जो टिप होता है थंब के ऊपर, जो टिप बोन होता है, वो क्रैक हो गया है एंड दैट इज़ मिसिंग। तो वो अभी कहाँ पे मिसिंग है कुछ पता नहीं। उन्होंने पूछा कि जहाँ पे ये हुआ ये एक्सीडेंट वहाँ पे कुछ आपको ऐसा बोन के जैसा कुछ नज़र गई क्या? मैंने तो बोला नहीं भाई, कि कुछ सोच ही नहीं रहा था, कुछ देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो बोला ठीक है ओके, होता है, इसके लिए एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी, माइनर नहीं मेजर सर्जरी, मतलब माइनर उनके लिए लेकिन मेजर फॉर अस पीपल लाइक अस। तो उन्होंने कहा कि मतलब उस दिन शाम को ही सर्जरी कर देंगे एंड के वायर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो के वायर मुझे पता नहीं था, और ही जस्ट एक्सप्लेन कि के वायर क्या होता है, कैसा। तो नॉर्मल प्रोसीजर्स हुए, टेस्ट हुए मेरा, और फिर शाम को एक 4-5 बजे मेरा सर्जरी स्टार्ट हुआ और 7-7:30 बजे ख़त्म हुआ। सो उसके बाद 1.5 महीने तक मेरे उंगली में के वायर रखा था, मतलब बाहर जो मतलब नोटिसेबल था। तो पूरा 1 महीना मेरा ये वाला थंब पूरा ड्रेसिंग में था एंड दैट वॉज द लाइक वर्स्ट इंसिडेंट अब तक मेरे लाइफ में। सो अभी कुछ इस तरह दिखता है मेरा थंब, जो नॉर्मल शेप रहता है वो तो चला गया है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, एंड जो नाखून है वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहा था। अभी 1 साल होने को आएगा ये इंसिडेंट को, लेकिन अभी तक मेरा नाखून ठीक नहीं हुआ है। तो यू कैन इमेजिन वॉट काइंड ऑफ एक्सीडेंट दैट वॉज, वॉट वॉज द वर्स्ट सिचुएशन ड्यूरिंग दैट एक्सीडेंट। तो बिकॉज ऑफ माई माइनर मिस्टेक आई हैव टू सफर दिस एंड माई फैमिली ऑल्सो हैव टू सफर दिस। सो जस्ट अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंसिडेंट डाइट, अगर आपको कुछ चीज़ घर पर करनी है बाइक के रिलेटेड, सो उस मतलब वो जो आप कुछ भी मतलब ऑयल इंजन ऑयल चेंज करना हो या फिर चेन लुक करना हो, उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। कुछ वीडियोस देखो, आपके गैरेज वाले से पूछो या फिर सर्विसिंग जहाँ पे आप कराते हो बाइक का उस बंदे से पूछो कि भाई ये ऐसा मैं घर पे मतलब जस्ट टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, या मैं घर पे करना चाहता हूँ तो ये कैसे किया जाए, और हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स वाइल डूइंग ऑल दिस, टेक ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड देन ओनली प्रोसीड, बिकॉज वन माइनर मिस्टेक एंड यू विल हैव टू सफर फॉर योर लाइफ टाइम, नॉट ओनली यू एंड योर फैमिली ऑल्सो विल हैव टू सफर। हाँ, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई हैव टू रिज्यूम माय वर्क, बस थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, तो छोटे से ब्रेक में मैंने वीडियो शूट किया। राइडिंग का पता नहीं कि कब जाऊँगा, वीकेंड में शायद से पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क्स ऑल्सो, अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो। सो टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय बाय।